स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेल कल्स में आपका। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मुकाबले के बारे में, जो कि MCA स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। और इस मैच के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि जो हम आपको इंटरेस्टिंग जानकारी दें वो आपको मिल पाए। अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बात करें लास्ट के चार मुकाबले में, तो 3-1 से बांग्लादेश लीड कर लिया। तो दोस्तों इस चीज़ को हमारी टीम इंडिया जरूर माइंड में रखेगी और फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ इस मैच में उतरना चाहेगी, क्योंकि हम कभी भी ये गलती नहीं कर सकते इस वर्ल्ड कप में कि ये थोड़ी सी हल्की टीम है तो हम इसको नज़रअंदाज करके कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दें और कुछ ही दूसरे खिलाड़ियों को मौका देकर के अपनी प्लेइंग 11 है जो बेस्ट प्लेइंग 11 से ना खेल करके जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है उसको जांचें और परखें। तो दोस्तों ये गलती करना नहीं चाहिए, खास तौर से एशियन टीम के सामने, क्योंकि जो एशियन टीम्स होती हैं और इंडिया के सामने वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया वो टेबल में टॉप पर बनी हुई है, तो हम यही चाहेंगे कि अभी ये नेक्स्ट मैच जीत करके टॉप पर ही बनी रहे और रन रेट में भी इजाफा करें। लेकिन कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें नज़र में रखना होगा। हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेज अफगानिस्तान के बारे में। तो दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अफगानिस्तान की टीम इंग्लैंड को पटकनी दे देगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े रनों के अंतर से हराया था इंग्लैंड टीम को, जिससे उनका रन रेट भी इम्पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करेगी टीम इंडिया। साथ में हम साउथ अफ्रीका वाले मैच के बारे में बात करें, साउथ अफ्रीका की टीम नेदरलैंड से अगर आप देखें तो बहुत बड़े रनों के अंतर से हारी है, तो उनके रन रेट पे भी इंपैक्ट पड़ा है। साथ में जो उनकी पोजीशन थी उस वो भी कहीं ना कहीं अब उनके टॉप फोर से बाहर जाने के ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं कि वो टॉप फोर से बाहर जा सकती है। अभी जिस तरीके से वो विनिंग वे पर थी, तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया जरूर माइंड में रखेगी और फुल स्ट्रेंथ टीम है हमारी, बेस्ट प्लेइंग 11 से उसी के साथ उतरना चाहिए। कुछ मैं आपके साथ रिकॉर्ड रखना चाहूँगा इस मैच के पहले। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर से अगस्त 2022 के बाद से अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें, तो लास्ट के चार मुकाबलों में इंडिया वर्सेज बांग्लादेश में 3-1 से बांग्लादेश लीड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचकर और जानकारी पाकर ये जरूर तो अचंभित हो रहे होंगे कि इस तरीके से रिकॉर्ड हमारे बांग्लादेश और इंडियन टीम का कैसे हो सकता है। लेकिन जी हाँ, यही सच्चाई है कि लास्ट के चार मैचों में बांग्लादेश ने 3-1 से लीड कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ साकिब अल हसन वर्सेज इंडिया के बारे में। साकिब अल हसन एक बहुत बड़े थ्रेट्स हो सकते हैं इंडिया टीम के लिए, हालांकि अभी उनकी इंजरी पर कोई अपडेट नहीं आई। अगर वो खेलते हैं तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ को माइंड में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि लास्ट के चार मैचों में साकिब अल हसन एक ऐसे बाएं हाथ के स्पिनर्स हैं जिन्होंने इंडियन बैटरों को बहुत परेशान किया है। लास्ट के चार मैचों में अगर हम बात करें इंडियन बैटर्स की, तो साकिब अल हसन ने 10 विकेट लिए हैं 4 मैचों में केवल। तो ये कहीं ना कहीं टीम जरूर नज़र में रखेगी। और अगर हम बात करें इस मैच में जो खिलाड़ी हैं जो टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हैं टीम इंडिया से और टीम बांग्लादेश से, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ 5 ऐसे खिलाड़ी जो टीम इंडिया से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। उनमें मैं रखना चाहूँगा आपके सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज, और वहीं मैं लास्ट में रखना चाहूँगा यहाँ पे कुलदीप यादव को। तो ये जो बेस्ट प्लेयर हैं जो टीम इंडिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की टीम के बारे में बात करें, तो वो 5 खिलाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे लिटन दास को, और उनके बाद मेहती हसन मिराज को, उसके बाद मुशफिकुर रहीम को, साकिब अल हसन को, मुस्तफिजुर रहमान को। तो ये जो है बांग्लादेश के टॉप खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि टीम इंडिया को फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ही जाना चाहिए या जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनको रेस्ट दे करके बेंच पर जो हमारे खिलाड़ी बैठे हो उनको मौका देना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन मेरा दोस्तों ये मानना है कि एशियन टीम के सामने खासतौर से टीम इंडिया को कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरना चाहिए। टॉप पर बने हुए हैं तो टॉप पर ही बनी रहे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे जो मुकाबले हैं और भी तगड़ी टीमों के सामने हैं, जो भी हमारे से हल्की टीम है थोड़ी सी भी, तो उनके सामने हम बेहतरीन प्रदर्शन करें और अपनी जो टीम है उसको विनिंग वे पर रखे रहें। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें हैं जो छोटी छोटी टीमों से भी हार जा रही थोड़ी थोड़ी गलतियों से, तो इस चीज़ को जरूर हमारी टीम इंडिया देखना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। दोस्तों मिलते हैं मैच वाले दिन क्या होता है और बात करते हैं मैच के बाद। दोस्तों इस तरीके से अपडेट्स प्रीव्यू रिव्यू मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक अपडेट मिलती रहे।